ये डॉक्टरों की जो स्ट्राइक है ना, फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि इनका पूरा सम्मान है, सरकार पूरा सहयोग करना चाहती है, स्ट्राइक इनको ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI RTE फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था और नरेगा बनाया, मां नरेगा, उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ, मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलत फहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर, उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है क्योंकि कोई झूठ नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग, हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। और जब इतनी योजना मॉडल स्टेट के रूप में आए हैं देश के अंदर, 25 लाख का बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है और एक माहौल बना पूरे देश में, राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा है, बल्कि राजस्थान के डॉक्टर्स जो है उनका मान सम्मान बढ़ा है। कोरोना के अंदर भी हमने अपील की थी इन लोगों से, उस पर भी पूरा सहयोग मिला, नर्सेज हो, डॉक्टर हो, कंप्यूटर जो भी हो। और आज भी हम अपील करना चाहेंगे, आप हम सब मिल के ही तो मान सम्मान बढ़ेगा प्रदेश का, इनका मान सम्मान बढ़ता है। आज अगर देश के अंदर मॉडल बना राजस्थान, तो हर डॉक्टर जो राजस्थान का होगा पूरे देश में उसका मान सम्मान बढ़ा है। ये भी इनको सोचना चाहिए कि सरकार जो कदम उठा रही है उस पर, उन कदमों का जो है अलग महत्व है। और उसके बावजूद भी स्ट्राइक 4-5 दिन हो गए, उचित नहीं है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि सरकार आपकी बात सुनने को तैयार हैं, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और स्ट्राइक को ख़त्म कराना चाहिए, मेरा मानना ये है।